साहित्य जगत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत गांधी युग का साहित्य यथार्थ और स्वप्न की अभिव्यक्ति। गांधी युग का साहित्य यथार्थ और स्वप्न की अभिव्यक्ति 1920 से 1947 ईस्वी। से लेकर 1947 तक के साहित्यिक कालखंड को हमने गांधी युग कहा है। इस युग में हमारे स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व जिन नेताओं ने किया उनमें गांधी अग्रगण्य एवं सर्वाधिक मान्य हैं। 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हुआ और दुर्भाग्य से उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त किया किंतु सत्ता के भागीदार नहीं हुए। पराधीन भारत में उन्होंने स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। वे विवेच्य युग के इतिहास पुरुष एवं संघर्ष नायक हैं। इस युग का साहित्य प्रधान रूप से इसी ऐतिहासिक संघर्ष की वाणी है। गांधी इकहरे राजनीतिज्ञ नहीं थे। वे राजनीति को धर्म और संस्कृति से अलग नहीं रखते थे। उन्होंने हिंदी प्रचार आंदोलन में अन्यतम योगदान किया। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर हम इस कालखंड को गांधी युग कहना उचित समझते हैं। ১৯১৪ ईस्वी में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। देश में उनके आते ही स्वाधीनता आंदोलन का रूप बदल गया। गांधी जी देश को अहिंसक आंदोलन के द्वारा स्वाधीन कराना चाहते थे। उन्होंने देश का दौरा किया, चंपारण में किसान आंदोलन छेड़ा। कांग्रेस अब केवल पढ़े लिखे लोगों की गोष्ठी और वाद विवाद का मंच नहीं बल्कि व्यापक अखिल भारतीय जन आंदोलन बन गई। हिंदी साहित्य को जन आंदोलन की इस व्यापकता एवं तीव्रता से ऊर्जा मिली। इतिहास का नया दौर नए प्रश्न प्रस्तुत करता है। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की जानकारी से भी भारतीय मानस में स्वाधीनता की भावना जग रही थी। नाना विषयों के प्रति जिज्ञासा बढ़ रही थी और यह जिज्ञासा व्यक्ति के मन में कल्पना का नया लोक निर्मित कर रही थी। रविंद्रनाथ ठाकुर को विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिल चुका था और उनकी कविताओं का प्रभाव हिंदी कविता पर भी पड़ रहा था। इन कविताओं में कल्पना की अतिशयता थी, कोमलकांत पदावली थी, नई शब्द योजना और बिंब विधान था। इसे आलोचकों ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। यह काव्यधारा छायावाद कहलाई। इसमें रहस्य
एवं अध्यात्म की भावना भी लिपटी थी। छायावादी कविता स्वप्निल होते हुए भी यथार्थ पर आधारित थी। इस यथार्थ को प्रेमचंद के उपन्यास चित्रित कर रहे थे। प्रेमचंद यथार्थ एवं उसका स्वप्न दोनों चित्रित कर रहे थे, इसीलिए उनके उपन्यास आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं। हिंदी साहित्य का चौथा दशक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दशक में किसान आंदोलन राजनीति में प्रभावशाली बना। इसी दशक में साकेत, गोदान, कामायनी, राम की शक्ति पूजा जैसी गौरवशाली रचनाएं प्रकाशित हुई। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटक लिखे गए। इनमें अतीत की पुनर्व्याख्या करके उसे वर्तमान के लिए संदर्भवान बनाया गया है। कफन, पूस की रात, हार की जीत कहानियों में यथार्थ की पहचान और उस यथार्थ को विषमता से मुक्त करने का स्वप्न है। ईस्वी के आसपास छायावादी युग समाप्त हो गया। 1918 ईस्वी में रूस में समाजवादी क्रांति हो चुकी थी। इसका प्रभाव भारत के बुद्धिजीवियों पर भी पड़ा और 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। ये लेखकीय संगठन समाजवादी विचारधारा से प्रभावित एवं संबद्ध था। इसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की। स्वाधीनता आंदोलन स्वाधीन मानसिकता के बिना असंभव था। 1918 से 1947 ईस्वी तक का युग जिस प्रकार अपने यथार्थ से विक्षुब्ध था, उसी प्रकार एक स्वप्न भी निर्मित कर रहा था। आशा आकांक्षा के स्वप्न लोक के बिना संघर्ष नहीं हो सकता, इसीलिए भारत अपने पराधीनता के यथार्थ से उबरने और स्वाधीनता के स्वप्न की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहा था। पराधीनता हमारा राष्ट्रीय कलंक और स्वाधीनता हमारा राष्ट्रीय स्वप्न था। यथार्थ और आदर्श इस एक ऐतिहासिक स्थिति के ही दो पहलू थे, इसीलिए इस दौर के साहित्य में ये दोनों साहित्य के प्रेरक हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत गांधी युग का साहित्य, यथार्थ और स्वप्न की अभिव्यक्ति। साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम। आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी। वाचन स्वर अखिल मित्तल और लोचनी अस्थाना। कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनियांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।